दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निज़ाम, एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। क्रिप्टोकरेंसी यूट्यूब चैनल ट्रेड फॉर प्रॉफिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, मार्केट जोखिमों से भरी हुई होती है, लेकिन भरी हुई जोखिमों से भरी हुई जब होती है जब आपको ट्रेडिंग नहीं आती है। अगर आपको ट्रेडिंग आती है थोड़ी सी और फंडामेंटल को आप इंक्लूड करते हो उसमें, तो ट्रेडिंग में भी अच्छी अर्निंग की जा सकती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फोकस करो ट्रेडिंग सीखने पर, सिग्नल लेने पर नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे BNB कॉइन के बारे में और साथ साथ बात करेंगे सोलाना कॉइन के बारे में। और सोलाना की एक महीने पहले भी मैंने एक अपडेट दी थी, उसकी क्लिप मैं भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखना, बने रहना, आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने मिल सकता है अगर हमारे चैनल के वीडियोज़ को आप फॉलो करते हो। इस तरह से जो ट्रेंड ऊपर के हैं डेली चार्ट पर, ठीक है, डेली चार्ट पर, और इस तरह का जो मामला बना रहा है, तो ये क्या दिख रहा है आपको? एक झुका हुआ फ्लैग दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं बुल फ्लैग। यहाँ पर अगर मार्केट में सिम्टम थोड़े से बुलिश होते हैं तो ये इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो पहला टारगेट हमारे पास क्या होगा? पहला टारगेट हमारे पास होगा इसका ऑल टाइम हाई लगभग $57, ठीक है। अगर तो दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत हम करते हैं वीडियो की सोलाना कॉइन से। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, डेली चार्ट है, USDT का पेयर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आपने जिस तरह से वहाँ पर क्लिप देखी, तो क्लिप जब आपने देखी तो वहाँ पर $31 के USDT के आसपास प्राइस था, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको, आपने देखा होगा बखूबी, एक टारगेट दिया था जिसमें मैंने बोला था कि प्राइस इस लेवल तक जाएगा, यानी अपने पिछले ऑल टाइम हाई तक जाएगा। उस वीडियो में आप देखा ही है आपने। तो 56-57 का ये एरिया था जिसको प्राइस ने अच्छा खासा ऊपर के साइड ब्रेक किया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि प्राइस ने उसको भी तोड़कर उसके ऊपर के लेवल दिखाने की कोशिश की, तो ऊपर का टारगेट हमारा, हालांकि उस वीडियो में मैंने टारगेट नहीं दिया था आपको, और जस्ट ज़्यादा दिन पुराना वीडियो नहीं है दोस्तों, एक महीना पुराना वीडियो है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि अगर $31 पे आपने वहाँ पर उसको हमारा वीडियो देखकर बाई किया होता या इन्वेस्टमेंट उसमें किया होता, तो आपको वहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलते, ठीक है। तो बस यही है कि दोस्तों, वीडियो इसलिए बोलता हूँ कि देखा करो, अभी उस वक्त जोर नहीं चलता है, चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। लेकिन देखो, जब हुई ये, जब बुल फ्लैग यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, तो एक अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिला। 57 तक भी अगर हमारा टारगेट होता तो 31 पे हमारी इंट्री होती या 35 पे हमारी इंट्री होती, तो हमें 20-22 USDT का प्रॉफिट होता, जो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा हम ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ठीक करते हैं। ट्रेंड लाइन थोड़ा सा नीचे खसक गई है, ये देखो। अब देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ने कितना ज़बरदस्त, यहाँ पर मैंने ये बताया था ना कि ये लेवल तक जाएगा, और यहाँ पर देखो इसने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, ऊपर के साइड गया, इस जोन को ब्रेक किया और यहाँ पर हमें टारगेट हमारा दे दिया। अब ये नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, बुलिश सिग्नल है इसमें। और अभी थोड़ा सा यहाँ पर देखो, अभी अगर यहाँ पर सोलाना की बात करेंगे कि इसको बाई करना चाहिए, तो अभी मेरे ख्याल से इसको बाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कुछ करेक्शन आ सकता है। देखो, मे भी अगर प्राइस हमें वापस 56 या 57 USD के आसपास मिलता, तो एक छोटी सी बाइंग इसमें बन सकती है। लेकिन बाई या सेल करने की सलाह किसी भी बंदे को नहीं है, आपको जो करना है अपनी निजी रिसर्च करने के बाद करना है। तो बस ये जो वीडियो की शुरुआत में मैंने क्लिप आपको दिखाई थी, सिर्फ इसीलिए दिखाई थी ताकि आप इन सब चीज़ों को समझो कि मैं जो वीडियोज़ डालता हूँ काम के होते हैं। आप देखा करो, आपका ही फ़ायदा होगा, मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बस ये है कि आपको फ़ायदा हो वो मेरे लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर सोल की मैंने अपडेट आपको कर दी कि अगर 57 USD तक वापस आकर इस तरीके से इसको रिटेस्ट करता है, यहाँ पर हमें मिलता है, तो एक बाइंग मिल सकती है और हम 80 USD तक, USDT तक जा सकते हैं। अगर 57 पर मिलता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपनी भी रिसर्च करो, उसके बाद कुछ करो, यहाँ पर बाई या सेल करने की सलाह किसी को भी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ, BNB कॉइन की तरफ, और वीडियो का लास्ट पार्ट में बात करेंगे BTC के प्राइस की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। BTC के प्राइस को रोज़ आपको देखना होता है चार्ट पर, और रोज़ अगर अपडेट आपको BTC की मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, पिछले जिस तरीके से सोलाना पे आपको मैंने क्लिप के माध्यम से दिखाया था कि किस तरीके से 31 और 35 के एक जोन से मैंने आपको बताया था यहाँ से बाइंग बन सकती है और अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पर आपको देखने को मिला। काफ़ी लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि सर आप अपनी तारीफ करने लगते हो, तारीफ नहीं करता हूँ भाई। यहाँ पर देख सकते हो BNB का सेटअप भी आप देख लो, वही सेटअप है जो मैंने पहले आपको दिया था। BNB जब ऊपर जाने वाला था, इस जोन के आसपास आया था, तब मैंने सेटअप बनाकर दिया था और मैंने वहाँ पर टारगेट दिया था कि 435 का। आप देख सकते हो एग्जैक्ट जाकर इसने 435 को टेस्ट करके प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो आप, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उसको समझते हैं, जानते हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट आप देखते होंगे ठीक ठाक ही निकलते हैं एनालिसिस, बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी दे सकते हैं अगर जो एनालिसिस के आधार पर ट्रेडिंग करता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखो, पहले टारगेट को हमारा हिट कर लिया है प्राइस ने। अगर यहाँ पर BNB की नई एंट्री की बात करोगे तो मेरे ख्याल से अभी रुक जाओ, BNB ने एक यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, तो मैं यहाँ पर उस सपोर्ट को दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो सपोर्ट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो BNB ने इस एरिया में सपोर्ट लिया है, तो ये एक सपोर्ट एरिया है इसका, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर अगर रूल्स के हिसाब से हम बोलेंगे कि अगर हमें यहाँ पर नई एंट्री बनानी है तो कहाँ पर बनाएंगे, तो नई एंट्री दोस्तों हमें लगता है कि इस ब्रेकआउट पर बनानी चाहिए। अगर यहाँ पर हम 4 आवर्स के चार्ट को लेते हैं तो जो येलो कलर की लाइन आपको दिखाई पड़ रही है इस पर सपोर्ट लिया है। अभी थोड़ा सा वेट करो, यहाँ से प्राइस में भी ऊपर जा सकता है क्योंकि अभी 403 के आसपास चल रहा है, 435 तक ही जाएगा तो ज़्यादा बड़ा टारगेट तो मिलेगा नहीं। तो अभी यहाँ पर वेट कर लो क्योंकि 20 पीरियड के नीचे है प्राइस, ठीक है, 20 पीरियड के नीचे है। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है प्राइस, यानी 383 को अगर ब्रेक करता है तो इस जोन में आने की कोशिश करेगा वापस से। इसके बीच में भी एक सपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ, मैं भी प्राइस यहाँ तक भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है 358 तक, ठीक। तो ये हो गई BNB की अपडेट। BNB में मेरा ख्याल से अभी कोई नई एंट्री नहीं, शॉर्ट टर्म में एंट्री बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बाइंग जोन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का जो चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर रिटेस्ट करने, हो सकता है ये 20 पीरियड को रिटेस्ट करने जाए और इस तरह से इसको ब्रेक करके नीचे आए। तो हमारे पास दो टारगेट होंगे, 383 का और 358 का डाउन साइड। अभी थोड़ा सा इसमें वेट करो, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे करेक्ट कर सकता है। कल मैंने BTC की भी जो अपडेट दी थी उसमें भी आपको यही बोला था। तो फ्रेश एंट्री इसके ब्रेकआउट पर बनेगी या यहाँ पे इस पॉइंट पर बनेगी या इस पॉइंट पर बनेगी, तो आपको पार्ट्स में बाइंग बनानी है, ठीक है, पार्ट्स में बाइंग बनानी है। तो एक ही साथ पूरी कैपिटल को यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है, पार्ट में एंट्री बनानी है। अब यहाँ पर ये यह हो गई BNB की बात। अब हम चलते हैं BTC की बात करते हैं। BTC की बात ज़रूरी होती है क्योंकि BTC मूवमेंट जिस ओर करता है ऑल्ट कॉइंस उधर ही मूवमेंट करने लगते हैं। तो यहाँ पर चलो BTC के ऊपर चलते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर कल की अपडेट अगर आपको याद होगी तो यहाँ पर मैंने कल एक चैनल आपको बना के दिया था, प्राइस उस चैनल के अंदर ही था, ठीक है। मैंने वहाँ पर बोला था कि प्राइस इस चैनल को ब्रेक कर सकता है और इस पर सपोर्ट ले सकता है। दो पॉइंट मैंने दिए थे, 44,000 और 42,500। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 44,000 के आसपास बिल्कुल आया और वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी इसमें देखो ये उड़ता तीर हो सकता है यहाँ पर अगर आप एंट्री बनाते हो, क्योंकि 20 पीरियड के नीचे हम आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं? 20 पीरियड के नीचे आए थे, 20 पीरियड को जाकर वापस प्राइस ने रिटेस्ट किया था और उसके बाद नीचे गिरा है। तो ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर इस ट्रेंड लाइन तक वापस हो सकता है, रिटेस्ट कर सकता है जाकर, उसके बाद ये फिर गिरने की कोशिश करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी कम से कम 3 से 4 दिन करेक्शन मोड में रह सकती है। ऑल्ट कॉइंस भी रह सकते हैं और BTC भी रह सकता है। तो यहाँ पर अपडेट देखो वही है, यहाँ पर रिमाइंडर मैं आपको दे रहा हूँ, सेटअप वही है जो कल वाला है, ठीक है। सपोर्ट यहाँ पर होगा 44,000 पर और 42,500 पर। ये जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस प्राइस यहाँ तक गिरेगा और यहीं से पुल बैक लेकर कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने आपको कल बताया था ना कि इस तरह का एक पैटर्न बना था और प्राइस गिरा था, तो ज़्यादा नहीं गिरा था और एक डबल बॉटम लगाकर प्राइस वापस ऊपर चला गया था और एक चैनल के अंदर चला गया था, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो उसी तरीके की कंडीशन हुई है, तो मे भी प्राइस यहाँ तक इस जोन में आ सकता है। कल 44,000 का लेवल तो उसने रात में ही दिखा दिया था हमको, अब थोड़ा सा ऊपर बुलिश देखने को मिल रहा है। लेकिन तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है कि बिल्कुल सिंपल अपडेट दी है, ताकि एक 10 साल का बच्चा भी अगर इस अपडेट को देखेगा तो समझ जाएगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर दोस्तों 4 आवर्स के चार्ट पर मैंने BTC को अपडेट किया है, तो यही सेटअप है जो मैंने रखा था। अगर यहाँ से पॉइंट से जैसे कि 44,000 से रिटेस्ट करेगा तो ये यहाँ तक 49,000 तक भी ऊपर दिखा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक करेक्शन अभी ये करेगा वापस फिर, ठीक है। 42,000 की रेंज से इसको अगर यहाँ से ये जब पुल बैक करेगा तो 49,000 हमारा पहला टारगेट होगा और उसके बाद ऊपर का टारगेट जो निकल कर आएगा वो 61,000 से 64,000 के आसपास। तो जो अपडेट कल थी वही अपडेट आज है, बस ये आपको रिमाइंडर के तौर पे ये वीडियो यहाँ पर मैंने दिया है। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी आपको। पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को जो लोग नए हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लो, आपका ही फायदा होगा क्योंकि आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट एक भी पैसा मैं नहीं लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इतना आपका बनता है मामला कि आप भी सब्सक्राइब करो चैनल को, हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी सहयोग करो। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, उसी उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसको। नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।